हेलो गाइस, मैं हूं संतोष। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मैं क्लास भी जाके आ गया। अच्छा, फिर वहां से आने के बाद दीदी को भी उनका ऑफिस पहुंचा दिया। फिर वहां से लौटने के बाद चाय और रोटी का ब्रेकफास्ट वगैरह करके मैं स्टडी करने के लिए बैठा हुआ था। ठीक है, समझ गया। क्योंकि हम लोग की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का सेशन चल रहा था। अच्छा, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी, इसलिए यहाँ पे आके यूट्यूब में क्लास कर रहे थे और प्लस रिवीजन भी हो रहा था, क्योंकि क्लास टेंथ में ये चैप्टर पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का, और ग्रेजुएशन करके भी 1 ईयर हो गया, तो थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही थी सॉल्व करने में सवाल सबको। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा था, और स्टडी करते करते माइंड में ऐसा लगा कि आज वीडियो बना लेते। बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाए, लगभग 2-3 महीना से नहीं बनाए थे, तो सोचे कि वीडियो बना लेते हैं। थोड़ा बहुत मन किया, आप लोग सब्सक्राइब करें। और गैस ने खिड़की बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि बाथरूम का काम चल रहा है। आप लोग दिखाते हैं, आप लोगों को भी काम चल रहा है, क्योंकि पूरा बहुत ही ज़्यादा डस्ट उड़ रहा है, क्योंकि कोठी लग रहा है ना, तो उसके पहले स्क्रैच किया जाता है, तो उसको चिकनाई करें, इसलिए हम स्क्रैच किया जा रहा है, पूरा धूल उड़ रहा है। क्योंकि एक बंद करके रखें, वो जो वेंटिलेटर है ना, वो हमने वेंटिलेटर उसको भी बंद कर दिए थे, फिलहाल उसको हटा दिए हैं। अब जिस चीज से उस वेंटिलेटर को बंद किए थे, उसको दूसरा वाला रूम में लगा दिए। तो आप लोग को दिखाते हैं क्या चल रहा है। खिड़की खोलते हैं, खिड़की बाहर से दिखाते हैं क्या काम चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है ना, गेट खुल गया भाई, यहाँ पे गाड़ी लगी हुई है, और ये देख सकते हैं बाहर, इधर का काम हो गया, इधर काम चल रहा है। चलिए भाई, देखो देखो क्या चल रहा है, काम देख सकते हैं, यहाँ पे काम चल रहा है पूरा जोरदार से। ये देखिए, बिल्कुल मेरा रूम के खिड़की के पास काम करिए। देख सकते हैं कितना ज्यादा धूल उड़ता है यहाँ पे। इसके ऊपर और मतलब लगेगा ना, इसमें मतलब बुट्टी इसमें नहीं लगेगा, हो गया पूरा प्लम्प चिकना। अच्छा, हमको लगेगा कि मतलब और इसमें लगेगा, शायद लगना था एक बार, लगना था दे रहे हैं। और एक बार लगता है, तीन बार लगता है। हाँ, लेकिन वही बार बाहर साइड है, इसलिए। हाँ, इसलिए। अच्छा, समझ गए। ठीक है, काम करिए। अंदर तो तीन बार दिए हैं, इस साइड भी तीन बार दिए, सामने जो है ना उधर। अच्छा, हाँ, हाँ। उधर भी तीन बार, दो बार जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं। हम लोग ने जाना कि इधर बाहर तरफ इसके 2 बार ही लगता है, और उसके बाद स्क्रैच करके उसको प्लेन किया जाता है, पूरा चिकनाई दिया जाता है। सामने तरफ 3 बार किया जाता है, और अंदर रूम तरफ अच्छा दिखने के लिए, इसलिए वहाँ पे 2 बार ही होगा बाहर तरफ। तो आप लोगों ने देखा कितना ज़्यादा धूल उड़ रहा था, इसलिए खिड़की को बंद करके रख दिए थे। सो मैं आ गया। आप लोग सोच रहे होंगे मेरे घर में ऐसा काम चल रहा है, नहीं भाई, मेरा हाल देख के आप लोग को लगता है कि मेरा घर में ऐसा काम चलेगा? नहीं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं, ये हम लोग का घर नहीं है, बस हम लोग यहाँ पे रहते हैं। तो हमको मन किया वीडियो बनाने का, क्या जो स्टडी कर रहे थे, स्टडी करते करते मेरा माइंड में आया कि वीडियो बनाएंगे। वेरी गुड, तो वीडियो बना दी, आप लोग देखिए, नहीं देखिए, आप लोग को अच्छा लगे ना लगे, बट मेरा काम था वीडियो बनाकर आप लोग को दिखा दिए। जितने भी सब्सक्राइबर्स है मेरे, 95-96 जितना भी है, आप लोग पूरा देखिए वीडियो को, ठीक है? बाकी बात आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा था, अच्छा था कि नहीं था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एक गरीब को सपोर्ट करिए भाई, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी होगी, ठीक है? 1 hour later गाइस, छोटे वाले दीदी अपना रूम में दरवाजा के पीछे स्टडी कर रही है, ठीक है ना? तो उनको देखते हैं। तो गाइस, ये मेरी छोटी दीदी जो कि यहाँ दरवाजे के पीछे में बैठ के स्टडी कर रही है। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद